आज की चर्चा का विषय है वेबर, मैक्स वेबर, समाजशास्त्र के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से एक समाजशास्त्री। प्रारंभिक समाजशास्त्री में मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल दुर्खिम, और उसके बाद आता है मैक्स वेबर का नाम। मैक्स वेबर के बारे में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको एक ई कंटेंट के माध्यम से प्रेषित किया है, उसे आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं उनके बारे में, उनका जीवन परिचय, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उनके जीवन का योगदान। आज इसके बाद हम चर्चा करेंगे उनका पद्धति शास्त्र, वेबर का पद्धति शास्त्र। एक समाजशास्त्री हैं रेमन एरन, जिन्होंने अपनी पुस्तक मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट 1967 के अंतर्गत एक स्थान पर लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और इसी संदर्भ में सबसे पहले सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु बनाया था विल्फ्रेड पेरेटो ने। पेरेटो के इस तत्व को ही आगे चलकर सामाजिक क्रिया को अपने अध्ययन का संपूर्ण आधार बनाकर मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का निर्माण किया, विभिन्न शोध विषय लिखे विस्तृत रूप से। वेबर ने लीक से हटकर व्यक्ति का अध्ययन सामाजिक क्रिया करने वाले एक कर्ता की तरह किया। उनसे पूर्व के विचारक जितने भी थे समाजशास्त्र को सदैव संरचनात्मक संदर्भ में देखते थे, जिसका मतलब है जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक जीवन को सावेवी उद्विकास यानी डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया था। दुर्खिम का संदर्श दूसरा था, उन्होंने सामाजिक संबद्धता को संस्थागत संगठन के रूप में रखा था, यानी समाज संगठनात्मक है, सावेवी एकता और यांत्रिक एकता के आधार पर रखा था। मार्क्स का समाज के प्रति दृष्टिकोण एक तीसरा विचारधारा थी, उनका आग्रह था कि उत्पादन संबंध और बदलती हुई उत्पादन पद्धतियों के आधार पर मानव संबंध भी बदलते रहते हैं। सभी विचारकों ने अपने अपने आधार पर अपनी विस्तृत रचना प्रस्तुत की, लेकिन मैक्स वेबर ने पहली बार सामाजिक क्रिया के साथ प्रक्रिया में व्यक्ति द्वारा लगाए गए अर्थ को मान्यता दी। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति किसी क्रिया को करता है तो उसके पीछे वह अपने स्वयं का कोई ना कोई अर्थ अवश्य लगाता है। वेबर ने पहली बार समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ा और कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है, समाज का विज्ञान नहीं है। समाज क्या है? समाज तो अमूर्त है और सामाजिक क्रिया ही विभिन्न व्यक्ति आपस में करते हैं और उसी के आधार पर उनके मानवीय संबंध बनते हैं और समाजशास्त्र का निर्माण होता है। इसके आधार पर मैक्स वेबर वस्तुवादी और व्यक्तिवादी दोनों हैं। किंग्सले डेविस ने तो मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा है। वेबर ने अपने अध्ययन के दौरान पद्धति शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया था। इन्होंने समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित किया और इसी क्रम में इन्होंने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक क्रिया को वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु माना। वे समाजशास्त्र की या समाज विज्ञानों की प्राकृति विज्ञानों में पद्धति शास्त्रीय निर्भरता भी समाप्त करना चाहते थे, यानी कि समाजशास्त्र की एक अलग विषय वस्तु हो, प्राकृतिक विज्ञान की भांति समाजशास्त्र ना विकसित हो और उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद सार्वभौमिक नियमों के खोज का प्रयास करता है। इसके अलावा प्रत्यक्षवादी जो समाजशास्त्री थे वो ऑगस्ट कॉम्टे भी थे। वेबर ने कहा, विज्ञान का एक प्रमुख गुण है रिपीटेशन। अगर कोई सामाजिक क्रिया बार बार अपने आप को दोहराती है तथा समान परिणाम दे रही है तो उसे हम एक सिद्धांत के रूप में मान सकते हैं, यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया होगी और सामाजिक क्रिया के आधार पर समाजशास्त्र एक विज्ञान होगा, अपने आप में एक समाज विज्ञान होगा। वेबर ने सदैव यही प्रयास किया था कि समाज विज्ञान स्वतंत्र रहे और इसके लिए जरूरी था कि समाज विज्ञान को मौलिक चिंतन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान पर पद्धति शास्त्रीय निर्भरता समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वेबर ने समाज विज्ञान में दो स्वतंत्र पद्धतियाँ भी विकसित की, जिनके बारे में आपको आदि बाद विस्तार से बताऊँगी। वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण अध्ययन पर जोड़ दिया, जिसे निर्वचनात्मक समाजशास्त्र कहा।
अर्थपूर्ण अध्ययन यह कि व्यक्ति मोशनलेस जो क्रियाएं कर रहा है, कोई भी क्रियाएं कर रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उद्देश्य नहीं है, सामने वाले व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया के लिए यह जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसका प्रत्युत्तर दे। इसी क्रम में वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या करने पर जोर दिया, यानी समाज में विभिन्न घटनाएं का कोई ना कोई आधार है और कोई ना कोई इनका परिणाम निकलता है। इसी के आधार पर घटनाएं सभी एक दूसरे से संबंधित है और समाज पर परिवर्तन लाती है। वेबर ने अपने अध्ययन में तुलनात्मक विधि का प्रयोग, तुलनात्मक विधि क्या होता है, दो समाजों का अध्ययन, दो व्यक्तियों का अध्ययन, दो समूहों का अध्ययन के आधार पर कार्यकारण परिणाम निकालना और सिद्धांत बनाना। इन्होंने सामाजिक घटना की प्रकृति को समझने के लिए एक दो पद्धतियां विकसित की थी, वर्स्टेहन, ये एक जर्मन शब्द है, और दूसरी है आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप। इन दोनों पद्धतियों को समझना आवश्यक है। और इस क्रम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, MCQs टाइप के प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत और अलग से भी इसकी टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं। वर्स्टेहन और आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप। वर्स्टेहन जो शब्द है वो डिल्थी और सिमिल से मैक्स वेबर ने लिया और उसके बारे में विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की। वर्स्टेहन पद्धति जिसका सामान्य अर्थ समझ सकते हैं हम, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक कौन है, मैक्स वेबर। इन्होंने माना कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है और समाजशास्त्री का कार्य कर्ता के सामाजिक क्रियाओं को समझना और उनकी व्याख्या करना, यानी इनकी समाजशास्त्र के अध्ययन की मूल विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है और एक समाजशास्त्री का कार्य है कि जो इन क्रियाओं को करने वाला है, करता है, उसकी सामाजिक क्रियाओं को समझना और उसकी व्याख्या करना, यही समाजशास्त्र है। ध्यान देना इस बात पर, कर्ता द्वारा की जाने वाली सामाजिक क्रियाओं को समझना और उसकी व्याख्या करना, ये वर्स्टेहन पद्धति का आधार होता है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का आधार होता है। वर्स्टेहन का अपने आप में मतलब होता है समझ। इसके लिए वेबर ने यह पद्धति प्रतिपादित की थी। वेबर के अनुसार कर्ता की सामाजिक क्रिया का उसके लिए एक निश्चित उद्देश्य होता है। शोधकर्ता का यह कार्य है कि कर्ता की क्रिया और उसके उद्देश्यों को समझे और उनकी व्याख्या करे। इसके लिए वेबर ने शोधकर्ता को स्वयं को तटस्थ भाव से कर्ता के स्थान पर रखना चाहिए, तभी तो उसकी क्रियाओं को समझ सकता है मनोवैज्ञानिक रूप से वह। यानी जो कर्ता, हमें जिन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, उस करने वाले कर्ता के स्थान पर स्वयं को रखें और उन क्रियाओं को समझें और उनकी व्याख्या करें, यही वर्स्टेहन का आधार है। वर्स्टेहन पद्धति की तीन विशेषताएं भी इन्होंने बताई थी। शोधकर्ता द्वारा स्वयं को कर्ता के स्थान पर रखना, मैंने आपको पहले ही बताया है, कर्ता के क्रिया के कारणों को समझना और उसकी तटस्थ व्याख्या करना, ये तीन स्टेप हैं वर्स्टेहन पद्धति की। यानी सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, स्वयं को कर्ता के स्थान पर रखना, जैसे स्वयं ही उस क्रिया को कर रही हो, समझने के लिए। दूसरा, कर्ता की क्रिया के कारणों को समझना, वो क्रिया किस तरीके से हुई, इसके पीछे क्या कारण है, और उसकी तटस्थ व्याख्या करना। क्रिया को समझना, क्रिया के कारणों को जानना और उनकी व्याख्या करना, यही वर्स्टेहन। वेबर ने माना कि वर्स्टेहन पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शोधकर्ता प्रशिक्षित हो, स्वयं को मूल तटस्थ भावना से रख सकता हो। अब इन्होंने अपनी तरफ से तो ये पद्धति रख दी, लेकिन इनकी इस पद्धति की आलोचना भी हुई। आलोचकों ने कहा कि सबसे पहली बात तो समाजशास्त्र के अंदर मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, मानव से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो मूल्य तटस्थता
मूल्य निरपेक्षता की संभावना बहुत कम है। वर्स्टेन पद्धति के समान सामाजिक मानवशास्त्र जो एंथ्रोपोलॉजी का विषय है उसमें सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि समूह के सक्रिय सदस्य बनकर समूह की गहन सूचनाओं को प्राप्त करना, लोगों की दैनिक गतिविधियों का अध्ययन करना, उन्हें लेखबद्ध करना, ये सहभागी अवलोकन होता है। तो जिसके द्वारा विभिन्न समाजशास्त्री मानवशास्त्री मैनुअल वस्की और एडमंड लिच आदि ने अध्ययन किए थे और निष्कर्ष निकाले थे। तो उसमें यह भी बताया था कि मूल्य तटस्थता 100% संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि हम मानव संबंध, मानव का स्वाभाविक विषय होता है कि जब वो अपने ही समूह और संगठनों का अध्ययन कर रहा है तो व्यक्तिगत दुराग्रह की संभावना बराबर बनी रहती है। दूसरी आलोचना इनके संदर्भ में यह कही गई कि वेबर ने स्वयं प्रत्यक्षवादियों को विज्ञान का अनुकरण करने के लिए आलोचना की, परंतु सैमसन के अनुसार वेबर भी घुमा फिरा कर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का ही प्रयास कर रहे हैं। अगली आलोचना रेमंड एरन ने कही कि वेस्टर्न की सफलता बहुत हद तक शोधकर्ता की परिपक्वता पर निर्भर होती है। किसी विज्ञान को वैज्ञानिक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक को विज्ञान के नियमों के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो ये तो आलोचना प्रत्यालोचना तो चलती ही रहती हैं। आगे मैक्स वेबर के शैक्षणिक योगदान के बारे में आपको बताते हैं। मैक्स वेबर ने विभिन्न पुस्तकें लिखी थी, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी वो ये थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद का उदय। यानी इन्होंने इस पुस्तक में यह बताया कि पश्चिम में ही पूंजीवाद का जन्म क्यों हुआ, पूर्वी देशों में पूंजीवाद का जन्म क्यों नहीं हो पाया, जिसके संदर्भ में इन्होंने बताया कि पश्चिम में जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसके नियम मान्यताएँ परम्पराएँ कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पूंजीवाद को जन्म पनपने के लिए एक नया मार्ग दिया, क्षेत्र दिया, इसलिए पूंजीवाद वहाँ पनपा। दूसरा है द सिटी। तीसरी बुक है इनकी जिसमें नगरीकरण के बारे में बताया गया है। तीसरी बुक है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत इन्होंने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया है। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये आपके नाम से ही स्पष्ट है, धर्म का समाजशास्त्र इन्होंने लिखा। मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, जिसमें इन्होंने अपने पद्धति शास्त्र के बारे में बताया।